नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है, यानी एक ऐसा शो जहां हम आपकी सभी क्वेरीज को शामिल करते हैं। महिलाओं के लिए हम अपना एक खास शो लेकर आए हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू दीपाली। और सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर मौजूदा निवेश कैसा है इस पर एक्सपर्ट की राय लेना चाहती हैं, तो एसएमएस कर सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शील्ड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shi@zeenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और पहली कॉलर अपर्णा बैनर्जी पुणे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अपर्णा आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। मैंने मेरा पोर्टफोलियो तो भेजा हुआ है जी, और इनमें मैं भी जानती हूँ जी जी, और इसमें फंड्स बहुत सारे हैं, तो ट्रिम कैसे किया जाए एक तो ये भी मुझे पूछना है। इनमें से HDFC प्रूडेंस मिड कैप और सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप तो काफी सालों पहले लिए हैं, तो ये मैं अभी भी मार्केट डाउन है तो मैं अभी भी अगर रिडीम करती हूँ तो लॉस नहीं होगा जी। और मेरे पास एडिशनल 50,000 अभी फिलहाल है, तो क्या करूँ, इन्वेस्ट करूँ कि लिक्विडिटी रखूँ अभी इस मार्केट कंडीशन में। और ऑफकोर्स मेरा जो ओरिजिनल सवाल था कि 7 साल में जो भी है तो विल आई बी एबल टू मेक एन टोटल अमाउंट ऑफ अबाउट 50 लाख रुपीज जी। जयंत जी, अपर्णा अपना पोर्टफोलियो में पहले ही बेच चुकी हैं, करीब 7 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है जहां ये SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करीब 1 से 2 हजार रुपए पर मंथ। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास जहां ये 10 से 15 हजार या फिर 30 हजार रुपए ये इन्वेस्ट कर रही हैं। जानना चाहती हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है कैसा है, क्या किसी बदलाव की इस पोर्टफोलियो में जरूरत है। साथ ही साथ इनका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इस पोर्टफोलियो से क्या ये 7 साल में 50 लाख रुपए कमा पाएंगे या नहीं। लगता है जयंत जी से संपर्क शायद यहां पर टूट गया है, लेकिन अपर्णा के जो पोर्टफोलियो है उसकी अगर बात करें तो HDFC टॉप 200 इनके पास SIP के जरिए जहां ये इन्वेस्टमेंट कर रही है करीब 1000 पर मंथ। इसके अलावा HDFC इक्विटी है जहां 1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, यहां भी ये 1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। IDFC प्रीमियर इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी, कोटक गोल्ड और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड, यानी SIP के जरिए जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो है आपका, यहां पर आपका डायवर्सिफिकेशन है। हालांकि फंड हाउसेज और फंड कैटेगरीज में, लेकिन डुप्लीकेशन है, एक ही कैटेगरी के 2-3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं अगर बात करें आपके लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर ICICI प्रूडेंशियल फोकस है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप है, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी है, बिरला सन लाइफ 95 है और DSP स्मॉल एंड मिड कैप है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट है अपर्णा का। तो अपर्णा, यहां पर अगर बात करें आपके टोटल पोर्टफोलियो की, तो यहां पर काफी सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। एक आइडियल पोर्टफोलियो में 6 से 7 फंड्स ही शामिल होने चाहिए और एक प्रॉपर डायवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, बैलेंस फंड या फिर गोल्ड फंड, सबका मिलाकर एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि डायवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और साथ ही साथ डुप्लीकेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो फंड्स का। इस पोर्टफोलियो की बात करें तो एक नया पोर्टफोलियो यहां पर जयंत जी ने आपके लिए सुझाया है, थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर किए हैं। जो नया पोर्टफोलियो होगा SIP के जरिए जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगी, उस पोर्टफोलियो में करीब 7 फंड्स ही शामिल होंगे। ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड आप यहां पर रख सकती है अपने पोर्टफोलियो में, 1000 पर मंथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। HDFC इक्विटी आपके पास है, इसमें भी आप 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करिए और यहां पर इतना ही इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखें। इसके अलावा IDFC प्रीमियर इक्विटी भी आपके पोर्टफोलियो में पहले से, यहां भी किसी बदलाव की सजेशंस नहीं है। लेकिन एक फंड यहां पर ऐड, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी, यहां भी आप इन्वेस्टेड रहिए। जो चेंजेस यहां पर है, एक फंड है बिरला सन लाइफ 95, यहां पर सजेशन है कि इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स और कोटक गोल्ड फंड, दोनों ही गोल्ड फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, तो यहां एक गोल्ड ETF अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर लीजिए जहां 1000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह के चेंजेस अगर आप करती हैं, उसके बाद अगर हम कैलकुलेशन करें कि आप कितना कमा पाएंगी, तो जो SIP के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं पर मंथ, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इस पोर्टफोलियो से, 7 साल में अगर आपको 11% एनुअल रिटर्न भी मिलता है तो आप करीब 21 लाख रुपए कमा लेंगे। तो यानी जो 50 लाख का आपका टारगेट है वो अचीव करने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ाना होगा, आपको एडिशनल 20
20,000 से 23,000 रुपए पर मंथ और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि 7 साल में अपने होराइजन अपने टारगेट को आप अचीव कर सके। तो यहां पर अगर आप 23,000 या फिर 20,000 का पर मंथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ाती हैं तो जो पोर्टफोलियो सुझाया गया है आपको नया उसमें ही किसी फंड्स में आप उस एसआईपी जो आपका एसआईपी अमाउंट है उसको इंक्रीज कर सकती हैं। तो इस तरह के चेंजेस अगर आप अपने पोर्टफोलियो में करती हैं तो आपको अपना जो है आप टारगेट आसानी से अचीव कर पाएंगी। और अगली कॉलर नैना हमारे साथ जुड़ गई है भुज कच्छ से। नैना स्वागत है आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम जी। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने 2009 में मैक्स मंगल से मैंने पॉलिसी ली थी जी। और 1 लाख की थी और पर ईयर 8,000 के ऊपर उतना मैं निवेश कर रही हूँ और अब ये लैप्स हो गई है तो मैं उससे बेटर प्लान मुझे लग रहे हैं और भी है तो क्या वो पॉलिसी मैं फिर से चालू करूँ या ना करूँ? और उसके बाद और मैं और कोई भी मैंने प्लानिंग नहीं किया है तो मैं पेपर गोल्ड के बारे में भी जानना चाहती हूँ। शेयर मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर बेटर रहेंगे क्योंकि मैं डेली ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं उसकी जानकारी नहीं रखती जी। और जीवन बीमा पॉलिसी और कोई मुझे लेनी चाहिए, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ प्लीज मैं ये जानना चाहूंगी जी। यानी नैना सबसे पहले अगर बात करें मैक्स मंगल पॉलिसी जो आपने खरीदी है 2009 की, यहाँ पर जेएनजी की सलाह है कि जो पॉलिसी ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है उसको रीइंस्टेट करने में कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है, उसको लैप्स ही रहने दीजिए। इसके अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, आपने कहा कि जीवन बीमा के लिए आप चुनना चाहती हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी लाइफ कवर नहीं है तो ऐसे में हम हमेशा अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके पास होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान में कम प्रीमियम पर ज्यादा कवर मिलता है, काफी सारे अच्छे टर्म प्लान मार्केट में मौजूद है, आप उनमें से कोई एक चुन सकती हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल आई केयर है, कोटक ई टर्म है, इसके अलावा आईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट है, काफी सारे अच्छे टर्म प्लान मार्केट में मौजूद है। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उस कंपनी से आप टर्म प्लान परचेज कर सकती है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, जो आप निवेश का नजरिया जिस तरह से आप अपनाना चाहती है तो यहां पर आपका होराइजन कितना है उस हिसाब से आप चुनिए कि आपको कहां निवेश करना है। अगर आपका 2 से 3 साल का ही नजरिया है इन्वेस्टमेंट का तो आप बैंक फिक्स डिपॉजिट चुन सकती हैं या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड चुन सकती हैं, क्योंकि 2 से 3 साल के नजरिए के लिए हमें इस तरह के ऑप्शंस ऑप्ट करने चाहिए जहां जोखिम कम हो। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि काफी अच्छे रिटर्न्स आज काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट आजकल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं एफडीज पर। इसके अलावा अगर 3 से 5 साल का आप नजरिया है तो आप बैलेंस फंड ऑप्ट कर सकती हैं, और अगर 5 साल से ज्यादा का आपका नजरिया है तो आप एक्सपोजर दे सकती हैं खुद को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए वो आप उसके ऑप्शंस अभी टीवी स्क्रीन पर भी आपने देखे होंगे। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की बात करें तो बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म है, कोटक फ्लोटर शॉर्ट टर्म है, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। बैलेंस फंड्स की बात करें डीएसपीआर बैलेंस है, एचडीएफसी बैलेंस है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस और एचडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है, कुछ अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। और इसके साथ साथ अपना जो पोर्टफोलियो आप अगर तैयार करती हैं तो डायवर्सिफिकेशन के लिए आप एक गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि गोल्ड एक डिफरेंट एसेट क्लास है, ये एक पोर्टफोलियो में ये जरूर होना चाहिए। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन के इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस आप ले सकती हैं, और इसके लिए आप हम एसएमएस या फिर ईमेल कर सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल करें shi@zeenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर लक्ष्मी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है लक्ष्मी आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मैं हर महीने 5,000 से 7,000 लगा सकती हूँ जी 20 से 22 साल तक जी, और मैं उससे 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, आप बताइए मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ जी? जेएनजी लक्ष्मी हमारी कॉलर हैं गाजियाबाद से, ये 5 से 7 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक टारगेट इनका है, ये 20 से 22 साल में करीब 2.5 करोड़ रुपए कमाना चाहती हैं। तो ऐसे में आपका नजरिया जानना चाहती हैं कि कहाँ निवेश इनको करना चाहिए और क्या 5 से 7 हजार का निवेश पर्याप्त होगा 2.5 करोड़ का जो टारगेट है इनका उसको अचीव करने के लिए? लक्ष्मी ये अच्छा है कि आपका लक्ष्य काफी लंबा है,
मुझे लग रहा है कि लक्ष्य पाने के लिए आपको इक्विटी फंड अगर आप चुने तो बेहतर होगा जी। लेकिन आपको अगर 2.5 करोड़ कमाना है 21 साल में, तो अगर हम ये मान के चले कि आप हर साल 11% का रिटर्न कमाओगे जी, तो आपको अराउंड 25,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे जी। जो आपका करंट जो 7,000 है उससे कहीं ज्यादा है जी। अगर आप 7,000 रुपीज निवेश करके अगर आप ये अमाउंट पाना चाहते हो तो आपको हर साल 20% के आसपास रिटर्न पाना होगा आपको जी। जो नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग ऐसे हाई रेट हम लोग नॉर्मली लेते नहीं जी। अगर आप 11% कमाओगे और 7,000 पर मंथ अगर निवेश करोगे तो अराउंड 7,000 के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकते हो जी। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, या अगर 7,000 में अगर आपको 70 लाख के आसपास आप कमाओगे तो अगर वो ठीक है तो आप 7,000 ही आप अभी निवेश कर सकते हो जी। क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि एक या दो फंड इसके लिए काफी है, तो मैंने 2 फंड चुने हैं। एक लार्ज कैप फंड है ICICI फोकस ब्लू चिप और एक मिड कैप फंड है HDFC मिड कैप। तो ये दोनों में अगर आप 3,500 पर मंथ निवेश करोगे और हर साल आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करोगे तो मेरी राय में ये बेहतर होगा जी। यानी लक्ष्मी, जिस तरह से जयंत जी ने बताया, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं SIP के जरिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको KYC और पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ फॉर्म की अगर बात करें तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकती हैं, फिर एजेंट या फिर बैंक को भी अप्रोच कर सकती हैं इसके लिए। रही बात की कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कोई 2 फंड्स आप चुन सकती हैं, एक लार्ज कैप या फिर एक मिड कैप फंड। और यहां पर जो 7,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अगर सालाना 11% का आपको एनुअल रिटर्न मिलता है, कम से कम एक एवरेज अगर हम मान के चले तो करीब 70 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। और रही बात जो आप 2.5 करोड़ कमाना चाहती हैं, तो 2.5 करोड़ कमाने के लिए अगर आपको 21% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो ही आप 7,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट से 20 से 22 साल में 2.5 करोड़ कमा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है 21% का रिटर्न, जिस तरह के मार्केट के हालात हैं फिलहाल उनको देखते हुए। तो ऐसे में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकती हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि 25,000 रुपए का एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं। अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करती हैं तो आप आसानी से 11% एनुअल रिटर्न बेसिस पर 2.5 करोड़ कमा पाएंगे। और अगली कॉलर पूजा सिंह अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पूजा आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल? मैंने जीवन लाइफ पॉलिसी का सरल पॉलिसी खरीद रखी है, क्या उसमें निवेश करना ठीक रहेगा? LIC जीवन सरल है आपके पास? हाँ जी जी। जैन जी, LIC जीवन सरल काफी अच्छी पॉलिसी है, काफी इन्वेस्टर्स काफी कॉलर्स हमारे शो में हमेशा शामिल होते हैं और इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानकारी लेते हैं। आपकी राय जानना चाहती हैं पूजा भी, इस पॉलिसी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कैसी है ये पॉलिसी? पूजा, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको ये तय करना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से ये ले रहे हो या लाइफ कवर के एंगल से जी। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी जो जीवन सरल एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें लाइफ कवर आपको बहुत ज्यादा कभी मिलता नहीं जी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को अगर हम कंपेयर करें उसमें जीवन सरल का जो लाइफ कवर है वो काफी अच्छा है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 72,000 पर ईयर दे रहे हो तो मेरा अनुमान है कि आपको अराउंड 15 लाख का लाइफ कवर होगा इसमें, क्योंकि 250 टाइम्स मंथली प्रीमियम, दैट इज द फिगर फॉर दिस पॉलिसी। तो अगर ये अमाउंट आपको काफी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा कवर चाहिए तो आप मिलता ही है कि आप ये पॉलिसी के साथ और एक टर्म पॉलिसी ले लें। दूसरा, ये जीवन सरल में जो इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है वो केवल डेट ऑप्शन है, इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करता है जी। तो ये भी एक थोड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें अगर निवेशित हो जी, तो 5 ईयर्स या उसके ऊपर अगर है तो यूजुअली इक्विटी फंड एंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स दे आर गिवन बेटर रिटर्न जी। लेकिन मेरी राय है कि अभी आप इमीडिएटली ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू ना करें। अगर आप क्योंकि आपने ये कहा है कि आप कितने सालों से निवेश कर रहे हो, कि अगर मिनिमम इसमें अगर आप 2010 के बाद अगर आपने इसमें निवेश शुरू किया है जी, नहीं बट फिर भी आपको अराउंड 3 इयर्स मिनिमम इसमें ये करना होगा, क्योंकि यूनिट नहीं, यूनिट्स में मिनिमम 5 लाख जी। तो 3 इयर्स आपको इसमें हर साल प्रीमियम भरना होगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इसको अगर फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करोगे तो आपका पॉलिसी जारी रहेगा, लेकिन आपको और प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं जी।
यानी पूछा एलआईसी जीवन सरल एक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, काफी अच्छा प्लान है, फीचर्स भी इसके काफी अच्छे हैं। जिस तरह से जैन जी ने बताया कि जितना मंथली प्रीमियम आप पे करते हैं उसका 250 टाइम्स आपको इसमें कवर मिलता है, तो यहां पर एक अच्छी पॉलिसी है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें आगे नहीं करना चाहती हैं तो यहां आप इसको फुली पेडअप स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फुली पेडअप स्टेटस में कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी एजेंट की हेल्प ले सकती हैं और इस स्टेटस में आपको फर्दर प्रीमियम या लॉक इन के बाद आपको फर्दर प्रीमियम पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी आपकी हालांकि एक्टिव रहेगी और जो आपका इंश्योरेंस कवर है, जो आपका लाइफ कवर है, उसमें थोड़ी कमी यहां पर जरूर होगी। और अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहती हैं और जानना चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहां निवेश करके आपको हो सकता है फायदा, तो आप एसएमएस और ईमेल के जरिए हमारे शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं shi@zeenetwork.com पर। और अगला ईमेल है हमारे पास जयंत जी, सरोजनी शुक्ला का भुवनेश्वर से। इनका एक पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जिसमें ये करीब 9000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा पीपीएफ में भी ये इन्वेस्ट कर रही हैं करीब 15000 पर मंथ। जानना चाहती हैं जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जो इनका पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या ये 18 साल में 1,20,00,000 रुपये कमा पाएंगी या नहीं। सरोजी नहीं, आपका जो इंश्योरेंस कवर है मेरी राय में थोड़ा कम है, क्योंकि आपको अराउंड 60 लाख की जरूरत है। यूजुअल हम जो थंब रूल लेते हैं वो 10 टाइम्स योर इनकम, तो अभी आपका इनकम 6 लाख के आसपास है, तो आपको अराउंड 60 लाख का इंश्योरेंस अगर आप लोगे तो बेहतर है। तो आपने 35 लाख का तो लिया है, तो उसे थोड़ा और बढ़ा एक दूसरे पॉलिसी की और दूसरा पॉलिसी लेके थोड़ा टोटल अमाउंट 60 लाख पर गए तो अच्छा है। अभी दूसरा आपका जो म्यूचुअल फंड्स का क्वेरी है, आपका फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी दोनों का जो परफॉर्मेंस है और जो फंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी मिलते जुलते हैं, तो मेरी राय में HDFC टॉप 200 आप बंद करके वही अमाउंट आप अगर HDFC इक्विटी में ऐड करोगे तो अच्छा होता है। और दूसरा ICICI FMCG और रिलायंस फार्मा, ये दोनों ठीक है, लेकिन सेक्टर फंड होने के कारण मैं इनको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप ये दोनों ऐसी बंद करके वही अमाउंट आप HDFC मिड कैप और ICICI फोकस ब्लू चिप, ये दोनों में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपका टोटल जो फंड है वो 7-8 से कम होके अराउंड 5 हो जाएगा, विच इज अ मैनेजेबल फिगर जी। नाउ इफ यू वांट टू अर्न 1.2 crores इन 18 years, तो अगर आप अराउंड 11% कमाओगे तो अराउंड 18,000 पर मंथ आपको निवेश करना होगा। अगर आप केवल 9,000 ही करोगे तो आपको 21% के आसपास रिटर्न पाना होगा हर एन एवरेज रिटर्न पर ईयर जी, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी। तो अगर आप 9,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो जी, तो मेरे अनुमान से अराउंड 61 लाख आप कमा सकते हो ये 18 ईयर्स में जी। बट प्लस आपका जो PF भी अगर ऐड करेंगे सो दैट शुड you आपका जो ये जो गैप है वो थोड़ा ब्रिज हो सकता है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आई सजेस्ट यू इंक्रीज द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट पर मंथ थ्रू SIP जी। तो सरोजनी, यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो सही है, लेकिन इसमें काफी फंड्स यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर आपका फंड, आपके जो फंड्स हैं यहाँ पर, ये जैन जी ने कुछ चेंजेस यहाँ पर बताए हैं और उन चेंजेस को अप्लाई अगर आप करती हैं तो उसके बाद सिर्फ 5 ही फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल रह जाएंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, HDFC इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल फोकस, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स, तो ये पोर्टफोलियो आपका होगा। साथ साथ PF में जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छी है, वहां आप कंटिन्यू करिए और कितना रिटर्न आप कमा पाएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अगली कॉलर आशा भोज गुजरात से साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आशा आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल आशा जी, अपना सवाल पूछिए। आशा जी आपको आवाज मिल पा रही हो तो अपना सवाल पूछिए। जैन जी, यहाँ पर आशा का क्वेश्चन है, भुज गुजरात से ये हमारी कॉलर है, गोल्ड ETF पर ये राय जानना चाहती है, गोल्ड ETF एज ए इन्वेस्टमेंट कैसा है, साथ साथ एक गोल्ड ETF जो इन्होंने चुना है निवेश के लिए वो है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF, तो आपसे जानना चाहते हैं कि ETF कैसा है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट इनको करनी चाहिए या नहीं।
आशा, जैसे इक्विटी फंड कई सारे होते हैं और उनके रिटर्न्स में बहुत फर्क होता है, बहुत इक्विटी फंड्स में, वैसे गोल्ड ईटीएफ्स में इतना फर्क होता नहीं जी, क्योंकि सभी गोल्ड ईटीएफ्स गोल्ड में ही निवेश करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल पूरा जो कैटेगरी है गोल्ड ईटीएफ्स का, टोटली अराउंड 10-11 गोल्ड ईटीएफ्स है, इट रेंज बिटवीन 38-40% इन द लास्ट वन ईयर, तो इतना रिटर्न सभी ने दिया है। आईसीआईसी ने भी 39% दिया है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी 1% है, तो बाकी सब बराबर ही है वो। तो आई मीन आईसीआईसी गोल्ड ईटीएफ इज एज गुड एज एनी अदर वन, तो आप उसमें निवेशित रह सकते हो। लेकिन कोई गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड में मेरी राय में 10-15% से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। आपका टोटल पोर्टफोलियो 10-15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही गोल्ड ने लास्ट 4-5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इफ यू लुक एट अ लॉन्गर टर्म इट हैज ओनली इक्वल इन्फ्लेशन, वाइल इक्विटी ने हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप कोई भी 5 साल का रोलिंग पीरियड देख ले तो, और दूसरा अभी है कि इक्विटीज ने काफी करेक्शन दिया है एंड गोल्ड हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट वन ईयर, तो मुझे लग रहा है कि यू शुड एक्चुअली बाय मोर ऑफ इक्विटी फंड्स एंड लेस ऑफ गोल्ड फंड्स, तो ये जो है वो उसमें निवेशित रहिए, लेकिन और गोल्ड फंड ना ले तो अच्छा जी। यानी आशा गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ भी एक अच्छा गोल्ड ईटीएफ है, लेकिन यहाँ पर सलाह ये है कि हमेशा गोल्ड में जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो टोटल आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 10-15% ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर गुरप्रीत जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है गुरप्रीत आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम, मुझे ये पूछना है कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम की है पॉलिसी, इसके अंडर टायर टू सिस्टम है और एक एम्प्लॉय है, मैं आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मैंने एक अकाउंट खुलवाया हुआ है एसबीआई में पीपीएफ, तो मुझे ये बताइए कि इन्वेस्ट करना टायर टू सिस्टम में अच्छा रहेगा या ये पीपीएफ में अच्छा रहेगा, किसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी जैन जी, आपने गुरप्रीत का सवाल सुना, पीपीएफ और एनपीएस टायर टू अकाउंट के बारे में आपकी जानकारी जानना चाहते हैं कि दोनों में से किसमें निवेश बेहतर रहेगा। गुरप्रीत जी, बहुत ही अच्छा है कि आप एनपीएस के बारे में सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत कम लोग ये विकल्प में रुचि रखते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपने टीयर वन अकाउंट खोला होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सरी है। टीयर वन के साथ साथ लोग टीयर टू ऑप्शनली ओपन कर सकते हैं। अभी टीयर टू में जो भी निवेश के विकल्प है वो सेम है टीयर वन जैसे, यू कैन इन्वेस्ट इन थ्री डिफरेंट ऑप्शन, वन इज गवर्नमेंट डेट, कॉर्पोरेट डेट एंड इक्विटी। इक्विटी में इंडेक्स फंड्स के थ्रू निवेश होता है और इसमें मिनिमम जो एक साल में आपको 2000 पर ईयर निवेश करना होगा और इसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस में होते हैं टीयर टू में, टीयर वन में होते हैं अराउंड 350 रुपीज ईयर। टीयर टू में आपको हर ट्रांजेक्शन पे अराउंड 30 रुपीज फी लगता है, तो और ओवरऑल जो एनपीएस का जो मैनेजमेंट फी है वो काफी कम है, इट्स ओनली अराउंड 0.009% ऑफ पर एयूएम। तो ये सभी देखते हुए मुझे लग रहा है कि टीयर टू आप कर सकते हो, लेकिन आप पीपीएफ के तुलना में अगर हम इसकी तुलना करें तो वो एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पीपीएफ में एक तो आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है और दूसरा ये है कि आपको हर एक स्टेज में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट इट ऑल्सो एंड व्हेन यू विथड्रॉ इट ऑल्सो। जी जी, टीयर टू में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है और रिटर्न्स आर ऑल्सो नॉट गारंटीड। जी जी, सो ओनली इफ यू वांट सम इक्विटी एक्सपोजर यू शुड चूज टीयर टू, इफ यू वांट अ प्योर डेट एक्सपोजर तो पीपीएफ इज फार बेटर। जी, उम्मीद है गुरप्रीत यहाँ आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना है, आप देखते रहिए जी बिजनेस आपका फायदा। नमस्कार।